हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज आए थे सर्वे में, तो सर्वे में जहां आए हैं वहां एक भैया हैं, उनके यहाँ पीछे बगिया में बहुत सारे फलों के पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं और खूब उसमें फरी हुई हैं चीज़ें, खूब फल फूल निकले हुए हैं, तो फलों से लदा हुआ है और इतना अच्छा लगा देख के। तो अभी आपने क्लिप में देखा, अब आपको बताते हैं कि क्या क्या चीज़ है। तो ये यहाँ पे लगा है कीनू, जो कि बहुत छोटे छोटे अभी हैं। ये कीनू का पौधा है, पेड़ है, और इसमें काफ़ी सारे कीनू फरे हुए हैं, निकले हुए हैं। फिर ये जो है चीकू, देखिए छोटा सा निकला हुआ है, ये चीकू का पेड़ है और छोटा सा ये निकला भी हुआ है यहाँ पे चीकू। और इसके बाद नीचे ये एक छोटा सा पेड़ मीठी नीम का लगा हुआ है। और ये जो है कोई बांस है जो किसी भी देशी किस्म का है, भैया से पूछेंगे तो इसका नाम एडिटिंग के समय लिख देंगे। फिर उसके बाद में ये यहाँ पे एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, जिसमें अमरूद मुझे दिख अभी नहीं रहे हैं। और उसके बाद में इधर चलते हैं, इधर ये आपका आम लगा हुआ है, ये देखिए आम का। तो खैर मौसम है एकदम नज़दीक में, ये देखिए एकदम हम चल रहे हैं तो मुझसे लड़ गया है ये आम। और काफ़ी सारे आम ये यहाँ पे लगे हुए हैं, ये देखिए एकदम नीचे, ये देखिए ये ज़मीन है और ज़मीन से एकदम लटका हुआ ये आम लगा हुआ है, ये देखिए कितना नीचे है, ये मुझे झुक के छूना पड़ रहा है। ये लगा हुआ है यहाँ पे, काफ़ी सारे आम लगे हुए हैं। और फिर जो है यहाँ पे काफ़ी ये आम के बौर भी लगे हुए हैं, अभी आम निकल ही रहा है। और ये देखिए यहाँ पे फिर ये एक अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, ये यहाँ बांस का एक और लगा हुआ है, छोटे छोटे आम गिरे भी हुए हैं ज़मीन पे टूट के ये। और ये देखिए कई सारे आम टूट के गिरे हुए हैं, जो शायद कोयल ने गिराए हुए हैं या किसी चिड़िया ने गिराए हुए हैं, ये देखिए ये। और ये बेला लगा हुआ है, फिर यहाँ पे ये चीकू, एक और चीकू का पेड़ है। और अभी मैं यहाँ रख दे रही हूँ ताकि जब मैं जाऊँगी तो मैं लेती जाऊँगी। फिर ये एक और आम है, और उसके बाद में ये नींबू लगा हुआ है, देखिए काफ़ी सारे नींबू इसमें निकले हुए हैं, ये नींबू लगा है। और ये देखिए ये नींबू, और ये एक और अमरूद का पेड़ लगा हुआ है, ये देखिए ये जो है सुपारी का पेड़ है ये, और एक दो और एक वो तीन, तीन ये सुपारी के पेड़ लगे हुए हैं। और उसके बाद में ये तीन सुपारी के बाद ये देखिए बांस का और लगा, ये क्या चीज़ है, कौन सा बांस है कि क्या है ये मुझे अभी पहचान में नहीं आ रहा है। फिर ये एक पेड़ नारियल लगा हुआ है, जिसमें नारियल ऊपर लगे भी हुए हैं, अगर ऊपर वीडियो में ये, आप देखिए इधर से नारियल दिखेगा, ये देखिए नारियल लगे हुए हैं। आ रहे, ये लीची लगी हुई है, अभी हरी है, ये छोटा सा गुलाब भी लगा हुआ है, ये यहाँ सिंचाई के लिए सब मर्सिबल लगा हुआ है। मजा आ गया देख के। तो ये आपने देखा कि इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगे हैं, जो कम ही हाइट में
जिसमें फ्रूट्स आने लगे हैं। और भैया ने बताया कि ये सारे जो पौधे हैं वो वेस्ट बंगाल से ला के यहाँ लगाए गए हैं, जो कि हाइट कम होने पे भी फ्रूट्स इसमें आने लगते हैं। और जिसको मैं बार बार बांस कह रही थी, वो बांस नहीं, वही सुपारी का है और बाकी सब नारियल के पेड़ हैं। और वो जो पतला लंबा बांस की तरह था वो सुपारी का पेड़ है, जिसमें सुपारी अभी निकली नहीं है। और ये पूरा छोटा सा ही बगिया थी, बट इसमें इतने वैरायटीज चीज़ें लगी थी कि मज़ा आ गया देख कर, जाने का मन नहीं हो रहा था। और मैंने कुछ आम जो हैं जो नीचे गिरे थे छोटे छोटे, वो मैंने ले लिए हैं और उनको लेके मैं जा रही हूँ फिर अगेन सर्वे में। तो ये जो मैं दिखा रही हूँ यही सुपारी है, ये जो पतले पतले बांस नुमा है यही सुपारी थी। और तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरा चैनल तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड।